नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीएस न्यूज़ चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि योगी सरकार कामगार मजदूरों को वापस बुलाने से मना कर सकती है, 31 मई तक इसकी घोषणा कर देगी। 31 मई तक योगी सरकार जो कामगार मजदूर हैं इनको घर बुलाने का अभियान बंद कर सकती है। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आइए खबर को विस्तार से समझते हैं। तो देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी कामगार श्रमिकों को घर वापस लाने का अभियान यूपी सरकार जल्द ही समाप्त करने जा रही है। माना जा रहा है कि 31 मई तक सरकार इसकी घोषणा कर देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिससे भी यूपी वापस आना है एक माह तक आ जाए। सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी तक 27 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुके हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दूसरे राज्यों से ट्रेन द्वारा लाने के लिए चलाया जा रहा अभियान हो सकता है इस महीने समाप्त हो जाए। उन्होंने बताया कि यूपी में अब तक 1411 ट्रेनें आई हैं जिसमें 19.15 लाख लोग वापस लौटे हैं, यानी कि 1411 ट्रेनों में 1915 लोग वापस लौटे हैं। 140 और ट्रेनों की अनुमति दी गई है। सबसे ज़्यादा सिद्धार्थनगर में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो घर वापस आए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यूपी में लॉकडाउन के दौरान 26 मई तक अलग अलग जिलों में 21 लाख से अधिक लोग आए, जिनमें सिद्धार्थनगर में 1,47,000, 56,000 महाराजगंज में 1,00,000, बहराइच में करीब 95,000, गोंडम 84,000, बस्ती में 73,000, बलरामपुर में 70,000 लोग वापस आ चुके हैं। ट्रेनों से सबसे ज़्यादा गुजरात से आए प्रवासी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुजरात से 474 ट्रेनों से 6,87,000, महाराष्ट्र से 297 ट्रेन से 4,07,000, पंजाब में 216 ट्रेन से 2,00,000 से ज़्यादा श्रमिक एवं कामगारों की वापसी हो चुकी है। 104 अन्य ट्रेनें चल चुकी हैं जो 29 मई तक आएंगी। रोजगार के मोर्चे पर बड़ी सफलता की तरफ बढ़ी सरकार। उधर दूसरी तरफ रोजगार के मोर्चे पर सरकार लाखों कामगार श्रमिकों को रोज स्किल मैपिंग करा रही है। सीएम योगी ने इस प्रयास के अब नतीजे भी आने शुरू हो गए। यूपी सरकार प्रदेश के 9.5 लाख कामगारों और श्रमिकों को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो IIA नरडेका नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसलिंग CII के बीच बड़ा करार करने जा रहे हैं। शुक्रवार को इस करार पर हस्ताक्षर भी किए हैं और IIA ने 5 लाख कामगारों मजदूरों की मांग रखी है। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन और CII MSME इकाइयों का समूह जो नर डेको रियल इस्टेट संस्थानों का समूह इसमें शामिल होंगे। इस करार को सीएम योगी के स्किल मैपिंग मुहिम को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और CII ने 2 लाख कामगार व श्रमिकों की मांग की है। गुरुवार को टीम 11 की बैठक में योगी ने कामगारों व श्रमिकों को तेजी से रोजगार देने की योजना बनाई। इस दौरान सीएम योगी ने मिशन हर हाथ को काम हर घर में रोजगार की शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार स्किल मैन पावर और इकाइयों में इनकी जरूरत और सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। सरकार का मानना है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए सेवा योजना में तेजी हो पाएगी। तो जिस प्रकार से योगी सरकार ने क्या है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।